केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश किया है। इस बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पार्टी लाइन के मुताबिक ही है। एक तरफ बीजेपी के नेता इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को इस बजट में एक भी अच्छी चीज खोजते हुए भी नहीं मिल रही है। भारत सरकार के बजट की बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जमकर तारीफ की है। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बदलने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी एक्सपर्ट इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि ये बजट गांव, किसान, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ काफी बड़ी तादाद में एक्सपर्ट भी उपस्थित थे। उन सारे लोगों ने भी बजट के एक एक बिंदु पर आप सब लोगों के समझ प्रकाश डाला और ये कह सकता हूँ कि उन सब लोगों के भी बातों को मैं सुन रहा था कि जो कि एक एक बिंदु पर किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बजट में प्रावधान किया गया सभी लोगों ने रखा है। अगर आप चाहे तो एक मैंने छोटे शब्दों में ये बजट गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए हुआ। जो देश के प्रधानमंत्री जिस बात की ओर बार बार ध्यान दिलाते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनानी है, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सभी सेक्टर, खास करके जो गांव है, किसान है, मजदूर है और उसमें से जो कमजोर तबके के भी जो लोग हैं, दलित है, एसटी है, तो सारे चीज़ों को उन बजट में वित्त मंत्री ने समाहित किया है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक आधुनिक और इस शब्दों में उसको कहा जाए कि बड़ी एक छलांग लगाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री का जो अगला लक्ष्य है कि वे 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की, तो उसकी एक आधारशिला तो पहले रखा गया था और इस कोरोना के काल में जिस ढंग से जो बजट पेश किया गया, जैसे आपने देखा होगा कि बजट पेश कर रहा था उसी समय जो शेयर मार्केट में भी जो उछाल आया कि वो अप्रत्याशित। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बजट को पूरी तरह से बोगस बताया है। ठाकुर ने कहा कि नेहरू और गांधी ने जिन कंपनियों को खड़ा किया है उसे समूल नष्ट कर दिया जाएगा। बोलिए, देखिए बजट पूरी तरह से बोगस है और हम समझते हैं जो इस सरकार की मूल अवधारणा है कि अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुँचाना और तमाम सरकारी कंपनियों को जिसे नेहरू और गांधी परिवार ने खड़ा किया है उसको समूल नष्ट कर देना, उस सोच के साथ इस सरकार ने बजट को पेश किया है। बजट में सीधा अगर देखा जाए तो अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है सरकार उसको बताने का काम किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो जिस तरह से बिहार, बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, उसके मद्देनज़र इन्होंने चुनाव को फोकस करते वहाँ विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। ये घोषणा आपने बिहार के चुनाव के वक्त भी की थी। आपके फोकस में है सिर्फ चुनाव, आपके उद्योगपति मित्र, बस इसी के लिए आप काम करते हैं आप। वहीं सीपीआई नेता अजय सिंह ने इस बजट की आलोचना की है। सिंह ने कहा कि बजट में रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है और ये बजट कुछ खास तबके के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट का नाम भले आम बजट हो, लेकिन ये आम बजट नहीं है, खास लोगों को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। आप देखेंगे इस बजट में ना रोजगार के सवाल पर कहीं बात की गई है, ना पब्लिक के महंगाई के सवाल पर बात की गई है, ना यहाँ पर लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई है। बात की गई है तो सैनिक स्कूल खोल लेंगे तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से। बात की गई है कि अगर हम रेल को LIC और GIC जैसी जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियां थी देश की, उसमें 74% FDI लाने की बात की गई है। बात की गई कि जो यहाँ का
पीएसयू संपत्तियां उसको बेचने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो बजट पेश किया है ये कुछ खास तबके को लोगों को ध्यान में रख कर पेश किया गया है, लोगों को केवल झुनझुना थमाने का काम किया गया। आप देखेंगे ना महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया, इस पर कोई चर्चा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पर कोई चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई चर्चा नहीं है, केवल इन्होंने विनिवेश को न्योता देने वाले कुछ लोगों को ध्यान में रख कर इस बजट को बनाया है। हर साल बजट पेश करने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं को इसमें केवल खूबियां ही खूबियां नजर आती है, लेकिन विपक्ष अपने हिसाब से बजट की खामियों की तलाश करता है। वैसे अगली तिमाही में पता चल जाएगा कि इस बजट का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।